हमारे पास MI3S है जिसका कि फोल्डर वगैरह और क्रोम वगैरह टूट चुकी है, इसे हम नया लगाएंगे। क्रोम वगैरह और बैक पैनल भी इसका टूट चुका है, ये हमने क्रोम ले लिया नहीं और ये बैक पैनल ले लिया है। इसे आपने सबसे पहले, आपने जब भी मार्केट से नया क्रोम बैक पैनल किसी भी मोबाइल का लेना है, बैटरी को लगाएं और उसके बाद बैक पैनल को इसके अंदर अच्छी तरह फिट करके देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये पैनल प्रॉपर फिट नहीं होता, फिर आप बोर्ड वगैरह फिट कर देते हैं और ये अच्छी तरह फिट नहीं होता। इसे आपने अच्छी तरह चेक कर लेना, कई बार बैटरी हमारी फुल ही होती है इस करके बैक पैनल अच्छी तरह फिट नहीं होता। इसे अच्छी तरह आपने चेक कर लेना, ये देखें ये प्रॉपर फिट हो रहा है, ये आपने अच्छी तरह चेक करके फिर लेके आना है। देख सकते हैं ऐसे ही आपने किसी भी मोबाइल का लाना है, अच्छी तरह चेक करके फिर लेके आना है। अब हम इसे फिट करेंगे। सबसे पहले आपने क्रोम के अंदर देखना है ना कौन कौन सा सामान है इसके अंदर, देख सकते हैं आप वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन है और स्पीकर है, इसे आपने बिल्कुल ही आराम से निकाल लेना है। ये अब ये स्पीकर है, ये वाइब्रेशन है, इसे आपने जब भी निकालना है स्पीकर को बिल्कुल आराम से निकालना है, क्योंकि इसकी आवाज़ वगैरह फटे ना, इसके लिए हमने कटर ले लिया। इसके साथ ऐसे देखते हैं ये बाहर, जैसे इसके साथ ना निकले तो आपने चुम्बटी को ले लेना है, चुम्बटी के साथ बिल्कुल ही आराम से निकाल लेना है। बिल्कुल आराम आराम से ये निकल चुका है, इसे भी साफ कर लेना है आपने अच्छी तरह। और इसका एक ध्यान रखना है, जिस साइड लगेगा ये पिन उस साइड ही लगा देना, वैसे पिन तो दोनों साइड होती है लेकिन जिस साइड लगेगा उस साइड लगा देना, जैसे हमारा मदरबोर्ड होता है ये, इसके ऊपर पिन इस साइड है, क्योंकि कईयों में क्या होता है कि इधर भी पिन लग जाती है स्पीकर की। इसी आपने जब भी आपने स्पीकर निकालना है अच्छी तरह देख लेना किस साइड है पिन इस साइड, अगर ये दोनों साइड मदरबोर्ड के अंदर लग रही होंगी पिन, ऐसा निशान होगा, तो आपने किसी भी साइड लगा सकते हैं। अब इसका इस साइड है तो आपने स्पीकर को इस साइड लगाना है, क्योंकि मदरबोर्ड ऐसे फिट हो जाएगा इसके अंदर और स्पीकर के जो प्रिंट है इसके साथ लग जाएंगे। इसे हम अच्छी तरह साफ कर देंगे। ये देख सकते हैं ये हमारा अच्छी तरह साफ हो गया। और कई बार हम मिडल वगैरह लगा लेते हैं क्रोम, जाली नहीं होती कई कई क्रोम में, और जाली अगर ना हो तो किसी स्पीकर में से निकाल के लगा सकते हो आप। इसके बाद हम ये ग्लू ले लेंगे, क्योंकि इसके साथ स्पीकर हमारा प्रॉपर फिट हो जाएगा, आवाज़ जैसे फट 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 जाती है वो आवाज़ फटेगी नहीं इसके साथ, क्योंकि जैसे पहले स्पीकर आते हैं उनके अंदर थोड़ी सी पेस्ट लगी होती है, वो इसी करके होती हैं कि इसकी आवाज़ फटे ना, और स्पीकर जैसे बाहर ना निकल जाए। जैसे हम ओपन करते हैं कई बारी बोर्ड वगैरह निकालते हैं, टच वगैरह निकालते हैं, तो स्पीकर हमारा गिरता नहीं है, कई बार किसी मोबाइल का स्पीकर गिर जाता है, क्रोम वगैरह चेंज करते हैं उसके बाद हम ग्लू नहीं लगाते, इसीलिए हम ग्लू लगा देंगे इसके अंदर। ये हमारा स्पीकर फिट हो चुका है, ये देख सकते हैं ये हमारा स्पीकर फिट हो चुका है। अब हम वाइब्रेशन को लगा देंगे, ये वाइब्रेशन है, इसे निकालेंगे लगा देंगे, बिल्कुल ही आराम से निकाल देंगे, ये निकल चुकी है। इसके बाद इसके नीचे भी थोड़ी सी पेस्ट लगा दें, ये भी सेम जिस साइड लगेगी उस साइड चेक करके लगा देना आपने। इसके ऊपर निशान होते हैं वाइब्रेशन के, ये देखें छोटे छोटे कट लगे हुए हैं दोनों साइड, इधर भी लगे हुए हैं और इधर भी है, इन कटों के अंदर लगा देना है आपने, ये देख सकते हैं हम लग चुकी है। अब आपने चार्जिंग पत्ते को लगा देना है अच्छी तरह चेक करके, ये हमने चार्जिंग पत्ता भी नया लिया है, ये हमारा चार्जिंग पत्ता लग जाएगा, जो इसके नीचे ये टेप है इसके साथ ही जुड़ जाएगा, इसे हम निकाल देंगे, ये देख सकते यहाँ से आप बिल्कुल सीधा लगा देंगे, ये देख सकते हैं ये लग चुका है
उसके बाद आपने इसके ऊपर रिंगर लगा देना है। रिंगर को भी आपने चेक कर लेना है किस साइड पिन लगेंगी इसकी, इस साइड लगेंगी, इस साइड लगा देना है, क्योंकि ऐसे ही पिन लगेंगी इस साइड, उसी साइड लगा देना। थोड़ी सी हम ग्लू लगा देंगे इसके ऊपर भी ताकि ये भी प्रॉपर फिट हो जाए। ये देख सकते हैं, ये हमने ग्लू लगा दिया। अब हम ये देख सकते हैं, इसे थोड़ा साफ करते हैं। अब हम इसे लगा देंगे। इसे अच्छी तरह फिट कर देंगे। ये फिट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर पेच लगा देंगे। आपने पेच भी इसका ध्यान रखना है, जो कई बार इसका पेच हम रिपेयर कराते हैं तो निकल जाते हैं, वैसे ही आपने सेम पेच लगा देने हैं, क्योंकि कोई छोटा बड़ा पेच लग जाएगा तो हमारी डिस्प्ले वगैरह क्रैक हो सकती है। कई बार हमारे रिंगर में आवाज फटी फटी आती है, वो इसी कारण आती है कि कोई ना कोई पेच उसके अंदर नहीं होता। ये लग चुका है। ये भी लग चुका है। ये लग चुके हैं। इधर से चेक कर लेना है कोई पेज बाहर तो नहीं आ रहा, कोई डिस्प्ले वगैरह क्रैक ना हो जाए हमारी। जैसे ये पेज थोड़ा सा बाहर आ रहा है, इसे थोड़ा सा निकाल कर दूसरा लगा देंगे, क्योंकि कई बार अपना फोल्डर लगा होता है, हम कोई और पेज लगा देते हैं। अब तो फोल्डर चलो इसमें लगाना है नया। ये देख सकते हैं, ये छोटा पेज है पर इसका साइज है जो वो थोड़ा सा जो पिछली सेट का वो बड़ा है, इसी कारण हम ये पेज लगा देंगे जो इसमें प्रॉपर आ जाएगा। ये देखिए, ये लग चुके हैं। ये हमने रिंगर के सारे पेच लगा दिए हैं अच्छी तरह। अब आपने एक और काम करना है, जैसे हम एंटीना को खोलते हैं कई बार मोबाइल, तो एंटीना वायर हमारी जैसे निकल जाती है तो फिर हमारा पैनल में अड़ने लग जाती है, पैनल हमारा फिट नहीं होता, कट जाती है। उसका ये इलाज है कि आप थोड़ी सी पेस्ट लगा दें इसके ऊपर हल्की हल्की, इसके साथ हमारी एंटीना वायर प्रॉपर फिट हो जाएगी। और आप जब भी मोबाइल की रिपेयर करोगे, दोबारा खोलोगे, तो हमारी एंटीना वायर की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने अच्छी तरह साफ कर देना ताकि इसके अंदर चली जाए। ये देख सकते हैं, अब आपने ऑन ऑफ पत्ते को फिट कर लेना है, इसे देख लेना है प्रॉपर कहाँ फिट होएगा। ये बोर्ड के साथ आपने चेक कर लेना है, जैसे मदरबोर्ड के साथ ये किस साइड फिट होगा प्रॉपर। इस साइड फिट होगा ये प्रॉपर। इसके बाद आपने इसके ऊपर भी
पेस्ट लगा देनी है। क्योंकि हमारा पत्ता कि इस क्रोम के अंदर से निकाला है, इसके ऊपर पेस्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि नया पत्ता लेते हैं उसमें आती है, लेकिन उसमें भी प्रॉपर नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है, जिसके साथ प्रॉपर हमारा ऑन ऑफ स्विच जुड़ता नहीं है, क्योंकि वैल्यूम पत्ता वगैरह सारे इसके अंदर ही हैं। इसे अच्छी तरह पेस्ट कर देंगे हम, आराम से करें कि इसके अंदर पेस्ट ना चली जाए, नहीं तो बटन खराब ऑन ऑफ बटन वगैरह ख़राब हो जाएगा। अपने अच्छी तरह इस साइड निशान है इसका, इससे मिलाकर आपने अच्छी तरह फिट कर लेना है। मदरबोर्ड से एक बारी चेक करके ये हमने लगा दिया, इसके ऊपर फिट हो जाएगा। अब आपने एक काम करना है, मदरबोर्ड को अच्छी तरह ब्रश के साथ साफ कर लेना है, ताकि कोई डस्ट वगैरह कई बार इसके अंदर गर्दा वगैरह आ जाता है, वो हमने पहले ही साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। SMD के साथ थोड़ी सी हीट लगा दें इसके ऊपर, ताकि गर्दा वगैरह जो है वो निकल जाए इसके अंदर से। इसे अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, और कैमरों को साफ़ करने के लिए आपने कपड़ा लेना है बिल्कुल साफ़ जैसे ये है। इसके बाद आपने अच्छी अच्छी कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं लगाना, क्योंकि उसके साथ हमारा कैमरा है ख़राब हो जाएगा। हम थिनर वगैरह कुछ नहीं लगाना, बिल्कुल ऐसे ही साफ़ कर देना है आपने। ये देख सकते हैं ये साफ़ हो चुका है, अब हमने ये भी साफ़ कर देना है बिल्कुल आराम आराम से। ये दोनों कैमरे साफ हो चुके हैं, अब आपने इसके ऊपर फोल्डर को फिट कर देना है, ग्लू को लगा देना। वैसे नई क्रोम के ऊपर ग्लू लगी होती है, लेकिन वो कामयाब नहीं है, उसके ऊपर फोल्डर दोबारा निकल जाएगा। इसके लिए आपने हल्की हल्की ग्लू लगा देनी है, जिसके साथ हमारा फोल्डर अच्छी तरह चिप जाए। ये देख सकते हैं, अब हमने ये जो हमारी फोल्डर है इसका यहाँ थोड़ी सी होल लगा देनी है, अगर आपको कम लगे तो, क्योंकि फोल्डर हमारा अच्छी तरह फिट हो जाए। क्योंकि अगर कस्टमर पैसे लगा रहा है अपने मोबाइल पर आने पर, उसे अच्छी तरह तसल्ली करके दें, ताकि वो दोबारा फिर अपनी दुकान पर आए। इसके लिए अपने ये डिस्प्ले भी, इसके लिए हमने ओरिजिनल मंगाई थी किसी मोबाइल में से, और इसके ऊपर टच है जो वो अच्छी लगा के दी है, क्योंकि काफ़ी पुराना मोबाइल हो चुका है, अब इसकी टच वगैरह तो साथ की मिलती नहीं, लेकिन फिर भी टच अच्छी लगी है। ग्लास कर टच लगा दी थी हमने डिस्प्ले के ऊपर, अब हम इसे फिट कर देंगे। इसके पत्ते पे अगर टेप वगैरह लगानी है थोड़ी बहुत ही तो लगा सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कॉपी डिस्प्ले में ज़रूरत होती है। वैसे अगर ये लगानी है अपने हल्की सी टेप भी लगा सकते हैं, होम टच का पत्ता लगा देंगे। थोड़ा सा पत्ते को खींच लें ताकि हमारी डिस्प्ले प्रॉपर बैठ जाए। और एक और चीज़, आपने जब भी कोई भी फोल्डर फिट करना है इसके नीचे अच्छी तरह चेक कर लेना, कई बार स्पीकर के पास नट वगैरह कोई लग जाता है पेच, उसके साथ हमारी डिस्प्ले क्रैक हो जाती है। ये देख सकते हैं प्रॉपर ही फिट हो चुका है, अब हम इसे निकाल दें, इसके साथ हमारी डिस्प्ले लग जाएगी। डिस्प्ले लग चुकी है, अब हम बैटरी को लगा देंगे, ये निकाल दें। बैटरी अगर जी साथ की है उसे अच्छी तरह साफ़ कर लें, कई बार क्या होता है कि
ये गूंद के ये यहाँ लगा होता है, इसके ऊपर निशान होता है डार्क से कलर का, उसे हटा दें, क्योंकि पहली गूंद के जैसे पहले ये गूंद होती है उसके निशान होते हैं, उसके साथ हमारी बैटरी प्रॉपर फिट नहीं हो सकती। उसे अच्छी तरह साफ़ कर ले, क्योंकि हमने बैटरी भी ये रिपेयर करी थी, ये ओरिजिनल बैटरी है, हमारे चैनल पर वो भी वीडियो है जिससे हमने बैटरी का प्रॉपर पत्ता चेंज करके दिखाया था, वो भी देख सकते हैं। अब हम इसको लगा देंगे, देख सकते। इसे सबसे पहले आपने ये पत्ते वगैरह फिट करके बाद में बैटरी को लगाना है, आपने अच्छी तरह ये सेंसर वगैरह इसे साफ कर लेना है। कई बार क्या होता है इसमें गर्दा चला जाता है, हमारा सेंसर काम नहीं करता, इसे अच्छी तरह साफ कर लेना है। ये देख सकते हैं ये साफ हो चुका है। यहाँ लगा देना है इसी पत्ते को, जो कि माइक स्पीकर वगैरह का पत्ता है, चार्जिंग का, ये एंटीना वायर है। इसे भी लगा देंगे, आप अच्छी तरह लगा लें। ये हमारे दोनों चीज़ लग चुकी हैं प्रॉपर, और अगर आपने इसके नीचे कोई डबल टेप लगानी है वो भी लगा सकते हैं, ताकि हमारा पत्ता वगैरह ना हिले, वैसे हिलता तो है नहीं है। एक काम और करना है, आपने टच के ऊपर थोड़ी सी टेप लगा देनी है, ताकि टच वगैरह यहाँ वैसे कोई दिक्कत तो आती नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनल टच है। फिर भी आपने थोड़ी सी टेप लगा देनी है, ये देख सकते ये टेप लगा दी हमने। अब आपने इसका कैमरा है जो टच को यहाँ लगा कर आराम से पत्ते को ऐसे कर देना है। इसके नीचे भी थोड़ी सी ग्लू लगा सकते हैं आप, टच के जो पत्ता है, साथ जुड़ जाएगा। अब हम इसे फिट कर देंगे। ये टच का पत्ता है, टच के पत्ते को अच्छी तरह लगा देना, चुमटी के साथ भी आप दबा सकते हैं थोड़ा, ये देख सकते हैं। इसके बाद लॉक को बंद कर देना, पूरा भी ये फिट हो चुका है, प्रॉपर बोर्ड मदरबोर्ड फिट हो चुका है। अब हम ये ऑन ऑफ स्विच को लगा देंगे, लॉक खोल देंगे, चुमटी के साथ थोड़ा सा आगे कर देंगे। अब हम इसे भी दबा देंगे, ये हमारा डिस्प्ले का पत्ता है, इसे लगा देंगे, ये लग चुका है। अब हम बैटरी को लगा देंगे, ये बैटरी लगा दी है, ये बैटरी का पत्ता है, पत्ते को लगा देंगे, ये देख सकते हैं। उसके जो ये लगा दें ऊपर, पेच लगा देंगे,
जो हमारे पेज हैं अच्छी तरह लगा दें। लग चुका एक पेच रह गया, लेकिन अगर एक आधा पेच रह भी जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर आपने लगाना है तो लगा भी सकते हो। हमारा कंप्लीट हो चुका है मोबाइल, अब हम बैक पैनल लगा दें। बैक पैनल में एक दिक्कत और बता देता हूँ आपको, दिक्कत आने के लिए ये जैसे ये बटन है वॉल्यूम ऑन ऑफ, इनके ऊपर ना जब नया बटन आते हैं तो क्रोम से बाहर होते हैं बैक पैनल से, इसके ऊपर थोड़ी सी ग्लू लगा दें, यहाँ ग्लू लगा दें थोड़ी सी हल्की सी, यहाँ हल्की सी ग्लू यहाँ लगा दें, हल्की सी ग्लू यहाँ लगा दें, ताकि ये जो बटन है ये प्रॉपर लग जाए, हिले ना, स्विच वगैरह बटन वगैरह जो मर्जी बटन कह लेते हैं कहीं स्विच कह लेते हैं, इसके साथ हमारी कोई दिक्कत नहीं आएगी पैनल बंद करने में, नहीं तो ये हिलते रहते हैं इधर उधर हो जाते हैं, फिर खोलना पड़ता है, फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है, उसका क्या फ़ायदा, पहले ही काम कर ले प्रॉपर। ये देख सकते ये हमारी जो क्रोम है वो बंद हो चुकी है अच्छी तरह, अब हम इसके ऊपर छल्ले लगा देंगे। हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है, क्योंकि छल्ले इसके लिए लगाना है क्योंकि हमारा जो फोल्डर है वो अच्छी तरह इसके साथ चिप जाएगा, क्योंकि हमने फोल्डर के ऊपर ग्लू लगाई हुई है ना, मिडल चेंज करी है, उसके बाद ये अच्छी तरह लग जाएगा। इसके साथ हमारा जो टच के ऊपर प्रॉपर फिटिंग आ जाएगी फोल्डर की, इसे अच्छी तरह लगा दें। ये लग चुके हैं रबड़ वगैरह, ये हमारा फ़ोन प्रॉपर फिट हो चुका है, ये देख सकते हैं। हमारी हाथ जोड़ के बेनती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक 13 चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत टाइम लगता है भाई वीडियो बनाने के लिए, आपका 1 सेकंड लगेगा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, धन्यवाद सर।